हे गाइस, वैसे तो आज मैं दाल बनाने लगी थी, मैंने दाल को भिगो भी दिया था, लेकिन फिर मेरे को ध्यान में आया कि मेरी सासू माँ को दाल बिल्कुल पसंद नहीं आई। 2 दिन पहले उन्होंने दाल खाई थी और उन्होंने एज इट इज छोड़ दी थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि इतनी सारी वेजिटेबल्स पड़ी और सांभर थोड़े दिन पहले मैंने बनाया ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं पाव भाजी बना लेती हूँ। तो फिर चलिए पाव भाजी की तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी की, तो थोड़ा बटर डाल देती हूँ जल्दी से इसमें। और बटर डाल के मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। इसमें आलू, गोभी, गाजर, घिया और चुकंदर, बीटरूट जिसे बोलते हैं, और टमाटर। तो बस ये सारी सब्जियों को मैं प्रेशर कुकर में डाल के उबाल दूंगी। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डाल के मैं प्रेशर कुकर का लगाती हूँ ढक्कन। गैस मैंने कर दी थी, अब इसको 3 मिनट से डालने तक हम पका लेंगे। तो सब्जियां हमारे यहाँ पे पक गई हैं, बस इनको मैश कर लेंगे मैशर की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया, बटर मेल्ट हो गया है अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा मैं पाव भाजी मसाला डाल दूंगी, इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी। रोस्ट करने के बाद इसमें मैं डालूंगी कटे हुए प्याज और मिर्ची और अदरक, बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें जो हमने लाल मिर्च है वो डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च, और जो हमने बनाया था सब्जियों का पेस्ट, तो बस वो डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक डाल के इसको पका लेंगे। और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और बस मिला देंगे और थोड़ा सा और मैश कर देंगे। आप थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं इसको। और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। और अगर आपको पतली रखनी है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, अदरवाइज आप थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है और बस ढक के इसको पका लिया है। और बस आप इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो चंक्स आपके माउथ में आएंगे इसके सब्जी के। और मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया था। और कढ़ाई में निकाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे, खूब सारा धनिया डाल देंगे। और इधर हम रेडी कर लेते हैं अपने पाव। तो बस मैंने बटर डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसमें हम अपने पाव रख देंगे। पाव को एक तरफ से सेकने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला बुरका देंगे ऊपर से, और फिर दोनों तरफों से घुमा घुमा के इसको अच्छे से सेक लेंगे और बिल्कुल एकदम अपने सॉफ्ट सॉफ्ट से पाव बना लेंगे। पाव भाजी हमारी हो गई है यहाँ पे रेडी। साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक रखी है, थोड़े से प्याज रखे हैं। तो बस यही था आज के डिनर में। बाय।